पहले नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज बरोस मंगल हो रहा है। इजलास में 11 मुकादी एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली के रुकन राना सनाउल्ला की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाज करने पर पुलिस ने नून लीग के 30 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। नैब ने नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबे में मुबैना करप्शन पर तहकीकात के लिए नैब ने तलब कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए नासिर हुसैन शाह ने 5 विधायकों को अलविदा कह दिया। नासिर हुसैन शाह ने सिंध में वर्क्स एंड सर्विसेज, आबपाशी, वाइल्ड लाइफ, मजहबी उमूर और महकमा जंगलात की वजारतें संभाल रखी थी। फैसलाबाद में मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 9 अफराद जां बहक और 1 शख्स जख्मी। ट्रैफिक हादसा गुज़िश्ता रात शाहीनवाल इंटरचेंज मोटरवे पर पेश आया, जहां एक ट्रक बेकाबू होकर मुखालिफ सिंध से आने वाली वैन से जा टकराया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला को लाहौर की इंसदाद मंशियात अदालत में आज पेश किया जाएगा। इस मौके पर जिला कचहरी के तराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। राना सनाउल्ला की अहलिया ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन्हें अपने शोहर से मिलने और दवाएं देने की इजाजत नहीं दी जा रही। उन्होंने धमकी दी है अगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो वो धरना दे देंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sahibannews.tv। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राह से आगाह कीजिए। देखते रहिए साहिबान।